वेलकम टू कैमरल एकेडमी। आज हम बात करेंगे जयपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली बिसट पुल डैम के बारे में, जो कि अभी चर्चाओं में, क्योंकि इसके गेट 2016 के बाद 2019 में खोले गए हैं। इससे संबंधित कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिसलपुर डैम। इसकी लोकेशन है टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोडा रायसिंह के नज़दीक, और ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ये बनास नदी पर स्थित है, जो कि चंबल की सहायक नदी है, और चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। ये डैम 1999 में बनाया गया था और इसका पर्पस था ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। आज ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किसको प्रोवाइड कर रहा है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट को, भीलवाड़ा को, जयपुर को, दौसा को, टोंक को और नागौर के नावा को। इसका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सूरजपुरा में, जो कि नज़दीकी गाँव है टोडा राय सिंह और बिसलपुर के पास, सूरजपुरा वहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। इसका अलग एक पर्पज़ और है, इरीगेशन पर्पज़, जो कि टोंक और सवाईमाधोपुर में बनाए, टोंक और सवाईमाधोपुर में ये सिंचाई सुविधा प्रोवाइड कराता है। बैकअप डैम के रूप में इस सरदार बांध को विकसित किया जा रहा है। जब इस बांध के गेटों को खोला जाता है तो पानी निकलता है, पानी निकलने के बाद वो वेस्ट नहीं हो, इसलिए सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में इस सरदा गाँव के अंदर एक बैकअप डैम बनाया जा रहा है। जब 2016 के अंदर पुष्कर झील में पानी की कमी आ गई थी तो इसी डैम के द्वारा वहाँ पर पानी भरा गया था। यानी जब जब पानी की कमी आती है पुष्कर झील में तो इसी बिसलपुर बांध के द्वारा ही वहाँ पर पानी भरा जाता है। बिसलपुर एक कंजर्वेशन रिजर्व है। आरएएस 2019 के अंदर मेंस में क्वेश्चन था 8 कंजर्वेशन रिजर्व के नाम लिखिए, तो उनमें से एक कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बिसलपुर। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित, यहाँ सुनहरी मछलियों का केंद्र बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ये हिंदुस्तान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा फॉर ब्रीडिंग ऑर्नामेंटल फिशेज। सबसे इंपॉर्टेंट फिश जो यहाँ पे डेवलप की जाएगी वो होगी महासीर मछली, जो कि 1999 से पहले बनास नदी में हुआ करती थी, लेकिन इस डैम के निर्माण के बाद वो मछलियाँ मर गई थी। सुनहरी मछलियों के अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्वादिष्ट मछलियाँ मिलती है, जिनके नाम है राहू, बाम, सिंगाड़ा, सांवल। इसी बांध के नज़दीक स्थित है बिसलदेव महादेव का मंदिर, जो बिसलदेव ने बनवाया था। बिसलदेव कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। ये एक चौहान शासक थे। ये बिसलदेव महादेव का मंदिर, यहाँ पे नीलम का शिवलिंग हुआ करता था जो आजकल नहीं है, और इसके उन पहाड़ी के नज़दीक ही दूसरा एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है। पुरानी कथाओं के अनुसार रावण ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। रावण जब 12 साल की तपस्या पूरी करके जा रहा था तो यहाँ पे उसने शिवलिंग को रख दिया था, और इसी शिवलिंग के नज़दीक यहाँ पे तालाब की स्थापना कराई। वो कहते हैं कि वो जो बिसलपुर का जो तालाब है जहाँ पे आजकल डैम बना हुआ है वो रावण के काल से बना हुआ है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो नज़दीकी स्थल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक है टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह फेमस है अपनी 365 बावड़ियों के लिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बावड़ी है हाड़ी रानी की बावड़ी, जिसका संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। टोडा राय सिंह सोलंकियों का ठिकाना था। आपने नाम सुना होगा उड़ना राजकुमार का, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार, महाराणा सांगा के भाई थे। पृथ्वीराज की पत्नी थी, उनका नाम था तारा। तारा टोडा राय सिंह में सोलंकी जो राजा थे उन्हीं की पुत्री थी। तारा के नाम पे ही अजमेर का जो तारागढ़ है उसका नाम तारागढ़ पड़ा है। इसी के पास में स्थित है दूसरा स्थान राजमहल, जहाँ पे बनास खारी और डाई के साथ में त्रिवेणी बनाती है। बनास नदी तीन जगह त्रिवेणियाँ बनाती है, उनमें से एक त्रिवेणी कहाँ पे बनाती है? त्रिवेणी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे तीन नदियाँ मिलती है, त्रिवेणी संगम है राजमहल। दूसरा स्थान है इसके, तीसरा जो स्थान है वो है देवली। देवली 1857 की क्रांति में जब भारत राजस्थान के अंदर 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, उनमें से एक ब्रिटिश छावनी कौन सी थी? देवली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बिसलपुर बांध के बारे में, बिसलपुर के नज़दीकी स्थानों के बारे में। अगले वीडियो के अंदर हम ऐसे ही लेते रहेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो राजस्थान से संबंधित हैं और राजस्थान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद।